हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लंबे और घने बाल अमूमन सारी महिलाएं चाहती हैं, पर कईयों के साथ क्या होता है, कम उम्र में ही बाल बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं और बालों का वॉल्यूम कम हो जाता है, बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान हो जाते हैं, इस तरह की समस्या से वो जूझती हैं। और कईयों के साथ क्या होता है कि बाल इतना ज़्यादा झड़ता है कि उनका गंजापन दिखने लगता है, और जिसका मुख्य कारण है वातावरण प्रदूषण, गलत खान पान, गलत जीवन शैली और आनुवंशिक जैसे कारण भी हो सकते हैं। तो इस तरह की अगर आपको भी कोई भी प्रॉब्लम है बालों से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ ये वाला हेयर मास्क ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें मैंने केला का यूज़ किया है, इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे, मतलब चमकेंगे, और बहुत ज़्यादा स्मूथ सिल्की भी बनेंगे, और बाल मतलब आपका झड़ना भी कम हो जाएगा अगर आप इसे कंटिन्यू बनाए रखोगे। तो चलते हैं देखते हैं इसे बनाना कैसे है और कैसे इसे लगाना है। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी हिट कर दीजिए, ताकि मेरे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जाते रहे। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेयर मास्क बनाने के लिए मैंने ले लिए 2 पके केले और उन्हें मैं कर लूंगी अच्छे से ग्राइंड कर लिया मैंने, अच्छे से पीस लिया है। और इसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच हनी, और फिर उसके बाद 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, उसके बाद 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसे मैं अपने बालों में अप्लाई करूंगी, पर अप्लाई करने से पहले याद ध्यान रखिएगा कि बाल धुले हुए हों, बालों में तेल ना हो, बाल बिल्कुल क्लीन हो। और फिर इसमें रूट्स में पहले लगाना है सारे, और फिर उसके बाद आपको पूरा हेयर्स में भी इसे अप्लाई कर लेना है। तो 15 से 20 मिनट तक इसे इसी तरह लगे रहने दीजिएगा। आप बालों को अच्छे से बांध लीजिएगा, और हो सके तो आपके पास अगर शावर कैप हो तो उसे लगा लीजिएगा। और उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है, और उसके बाद माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो लेना है। इसमें जो यूज़ किया गया है ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और शहद, ये तीनों चीज़ें ही बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती हैं और स्कैल्प को बेहतर रखने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं। डैंड्रफ दूर करती हैं, आपके बालों को चमकदार बनाती हैं और हेयर ग्रोथ में मदद करती हैं। और आपके बालों में 2 मुए अगर है तो उसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। केले में भी सेम यही काम होता है। तो अब मैं अपने बालों को बांध ले रही हूँ, मेरे बालों में सब जगह मैंने अप्लाई कर लिया है, और देख सकते हो 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ा थोड़ा ड्राई भी हो गया है। तो मैं अब इसे वॉश करके शैम्पू करके आती हूँ। मैंने शैम्पू कर लिया है अपने बालों को, और आप देख सकते हैं बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी लग रहे हैं, छूने में ही समझ में आ रहा है। और आप इसे कंटिन्यू करिएगा, आपके बालों का झड़ना बंद होगा और बाल आपके लंबे होंगे, घने होंगे, काले होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हेयर मास्क है। तो इस हेयर मास्क को आप सप्ताह में 1 से 2 बार आराम से लगाइए और देखिएगा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। काफ़ी अच्छा डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपके बाल पहले से काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, वॉल्यूम भी आपको दिखेगा। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर पे। और मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे हेयर मास्क भी शेयर किए, उसमें मैंने अंडे का प्रयोग किया। अगर आप अंडा खाते हैं, आपके घर में अंडा आता है, तो आप उसे भी ट्राई करिएगा, क्योंकि अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो वो भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं अपने चैनल पर घरेलू नुस्खे और प्रोडक्ट्स के रिव्यू वगैरह शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उन सब वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर।